यहाँ तो भाईचारा खत्म करवाया बीजेपी ने और कुछ नहीं कराया। तो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने खुलकर जो है जहर घोलने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक सरकार में थे तब तक 5 साल तक कोर्ट की तरफ से नॉन बेलेबल वारंट जारी नहीं हुए, सरकार छोड़ते ही नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए। कि अपराध बिल्कुल खत्म नहीं हुए, बिल्कुल खत्म नहीं हुए, अपराधियों के हाथ में सरकार चली गई है। अगर आपको आपने साबुन से हाथ धोए कोरोना नहीं गया, आप बीजेपी से हाथ धो लीजिए कोरोना चला जाएगा। जब चुनाव आता है तो बीजेपी का कोरोना आता है और चुनाव गया तो कोरोना भी गया। नमस्कार, मैं हूं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं फसल क्रांति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हमारी टीम चुनाव यात्रा करके जनता का माहौल जान रही है। आइए जानते हैं बाड़ौत विधानसभा क्षेत्र के जनता का माहौल क्या है चुनाव को लेकर। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मैनुद्दीन अब्बासी है। चुनाव का माहौल क्या है यहाँ पे? गठबंधन है और बीजेपी सरकार दोनों एक दूसरे को टक्कर दे, तो आप RLD का जो यहाँ गठबंधन का, तो पहले बीजेपी सरकार ने यहाँ पे क्या क्या काम किया है, उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है? यहाँ तो भाईचारा खत्म करवाया बीजेपी ने और कुछ नहीं कराया, और जहर घोलने का काम किया है और कुछ नहीं आज तक भी हुआ। हिंदू धर्म, हिंदू और मुसलमान के, जो यहाँ हिंदू मुस्लिम के अंदर प्यार है और जो है गंगा जमुना तहजीब का वो है वो आज भी है, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने खुलकर जो है जहर घोलने का काम किया है। तो गठबंधन को लेकर आप क्या देख रहे हैं कि गठबंधन की सरकार आ रही है टक्कर दे पाएगी बीजेपी सरकार को? बीजेपी को पूरी टक्कर दे रही है गठबंधन पूरे प्रदेश के अंदर। जयवीर सिंह तोमर, क्या पूछ रहे हैं बताओ? गठबंधन की सरकार को आप कैसे देखते हैं, वो आ पाएगी टक्कर दे पाएगी बीजेपी सरकार को? भाई अब तो हालात थोड़ी सी पोजिशन टाइट है बीजेपी की, बट अगर फाइट गठबंधन कर गया तो कुछ हो सकता है राइजिंग। पहले बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, विधायक भी बीजेपी के ही हैं, तो उन्होंने काम किया है आगे? और भाई काम तो जो विधायक बन जाता है अपना बिलेबल से करता है, जो उसकी अंडर पोजिशन है, अब वो आउटसाइड जाके कैसा काम करेगा? जितनी उसकी निधि है उसके अनुसार ही विकास करेंगे। तो विकास हुआ है आपका? विकास हुआ है, चेयरमैन भी विकास हुआ है, हमारे जो विधायक है KP मलिक जी विकास करे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो जनता फैसला करेगी उसके बाद में। तो कौन जीता कौन हारा है कि क्या KP मलिक टक्कर दे पाएंगे गठबंधन? अरे टक्कर तो हो ही रही है पूरे उत्तर प्रदेश में मैडम, पूरे प्रदेश में गठबंधन की बीजेपी तो टक्कर ही है, वो तो बिना टक्कर है सारे भाई, XYZ आ रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है राज्य में, तो उसके लिए क्या विधायक जी ने काम किया है यहाँ पे? बेरोजगारी तो जब से हम पैदा हुए चली आ रही है, हम भी लोग स्टूडेंट थे, हम भी बेरोजगार थे, अब बुढ़ापा हो गया, वकील बन गए वो अलग बात है, कुछ बड़ी तो है मगर कुछ ना कुछ ऐसा नहीं बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, क्राइम चारों तरफ फैल गया। और बीजेपी सरकार का तो दावा है कि उन्होंने गुंडा राज पूरा खत्म किया। गुंडा राज कहाँ खत्म होगा? उन्नाव रेप कांड के अंदर रेप पीड़ित लेडीज का अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के कर दिया, कहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई? गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक सरकार में थे तब तक 5 साल तक कोर्ट की तरफ से नॉन बेलेबल वारंट जारी नहीं हुए, सरकार छोड़ते ही नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गए। कहीं ना कहीं न्याय की जो अवहेलना हो रही, न्याय की, न्याय कहाँ है? चाहे तब क्राइम है, क्या मिला भाजपा से? ना विकास मिला, ना कुछ मिला, सांप्रदायिक कार्ड पूरे 5 साल खेलने में लगे रहे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आप साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिंदू और मुस्लिम धर्म पे काम कर, हिंदू मुस्लिम धर्म, हिंदू मुस्लिम फैलाने का ही काम है, हिंदू मुस्लिम को छोड़ दिया जाए तो एक मेंबर का चुनाव भी नहीं जीत सकते, एक मेंबर का चुनाव नहीं जीत सकते। और यहाँ जो मुद्दे है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो व्यापार का मुद्दा है, वो क्राइम का मुद्दा है, विकास तो हुआ ही नहीं। और इस सीट पर मैं नहीं कहता मैं कौन जीत रहा, लेकिन भाजपा आ रही है, डेफिनेटली भाजपा आ रही है। और विधायक तो अलग चीज है, जो क्षेत्रीय क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार का जो विकास मुल्क ने प्रदेश ने देखा है वो देखा है उस रूप में, जो गंगा जमुना से लाशें खींचते कुत्ते देखे गए थे वो विकास था बीजेपी सरकार का। और मात्र एक रोड दिल्ली सहारनपुर रोड हमारा बना है क्षेत्र में, जिस पे 30-40 किलोमीटर चलने के लिए हमें 160 रुपए अदा करने पड़ते हैं। यहाँ जाम की भी दिक्कत बहुत है, तो क्या जाम की दिक्कत खत्म हो? जाम की दिक्कत कोई खत्म नहीं हुई, ना कोई क्राइम खत्म हुआ। और तो और बीजेपी के शीर्ष नेताओं पे जिस कदर मुकदमे
लगे हैं वो ऑन रिकॉर्ड है, आप निकलवा लीजिए, देख लीजिए क्या कंडीशन है, अपराध खत्म हुए या अपराधी खत्म हुए हैं। तो आपका कहना है कि अपराध बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है? बिल्कुल खत्म नहीं हुआ, अपराधियों के हाथ में सरकार चली गई है। अपराध तो जब खत्म होगा, सरकार में खुद अपराधी है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन पे एक दर्जन क्या नाम है मुकदमे, उन्हें अपने मुकदमे वापस लिया, अपराध कैसे खत्म हो जाएगा आप बताइए तो मुझे। अपराध तो जब खत्म होगा जब मैं सही हूँ, जब मैं ही गलत हूँ तो क्या नाम है जनता कैसे सही हो जाएगी आप बताइए। एक दर्जन मुकदमे अपने मुकदमे वापस ले लिया, कहाँ अपराधी है? अगर अपराधी को एनकाउंटर करना है तो पहले तो क्या मुख्यमंत्री को एनकाउंटर करो। दंगे के ऊपर क्या कहना चाहिए? बीजेपी की सरकार है, जब से दंगे तो एक भी नहीं हुए। हाँ तो सारे दंगाई सरकार में चले गए, जो दंगाई लोग थे वो सब सरकार में चले गए, आज विपक्ष मानते दंगे शुरू हो जाएंगे। तो जनता के लिए तो अच्छी बात है ना कि दंगे खत्म। नहीं नहीं सुन लो, आप गुजरात से आए, गुजरात में बोधरा कांड हुआ, वहाँ हमारे भाई मरे, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे, हमारे मरे, देश के मरे, प्रदेश के मरे, वो हमारे हैं। तो वहाँ दंगा करा के आइए, अमित शाह जी, मोदी जी दिल्ली में आठ शादी दंगा कराया, 3 दिन तक दंगा होता रहा, लोग मरते रहे, किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया है। तो ये बताओ 3 दिन में धारा 144 नहीं लगी? धारा 100 कर्फ्यू तो बहुत दूर की बात है, अन्य गृह मंत्रालय के नाक के नीचे, गृह मंत्री के नाक के नीचे 1 मिनट में एक्शन हो जाना चाहिए। दिल्ली जैसी जगह सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश कैसे सुरक्षित होगा आप बताइए मुझे। तो किसानों का जो आंदोलन हुआ था, उसको देख के क्या बीजेपी की सरकार वापस आएगी उत्तर प्रदेश? सोच विचार करना बहुत बड़ा अपराध गुनाह है अगर ये सोच रहे बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार तो भूल जाओ। उन्होंने कानून तो वापस ले लिया ना, कानून वापस, जब हमारे 700 लोग मर गए, जो 700-800 लोग मर गए, क्या लोकसभा में या राज्यसभा में किसी की बीजेपी की सरकार ने क्या कहना, 2 मिनट का मौन रखा उनके लिए, क्या 2 शब्द कहे प्रधानमंत्री हैं आप बताइए मुझे। प्रधानमंत्री ने माफी तो मांगी, माफी सुनो सरेआम खत्म, माफी मांग लो, माफी सरे, नहीं नहीं सरे, हमारे प्रधानमंत्री देश ने माफी मांगी है, नहीं नहीं, और उनके तीनों जो कानून बनाए थे वो वापस लिए गए हैं मान सम्मान के लिए। मैं किसी का सपोर्टर हूँ, मैं तो एडवोकेट हूँ, मैं तो वकील हूँ, जब से हम ये कह रहे हैं 2020 के बाद में। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब से हमारे किसान भाई, हम भी किसान से होकर आते हैं, हम भी किसान के बच्चे हैं, आप भी किसान के बच्चे हो, बल्कि जो हमने कानून बनवाए थे, यानी हमारी सरकार ने कानून बनाए वो वापस ले लिए, वापस लेने के बाद माफी मांग ली, और सजा दे क्या होगा ये देश के प्रधानमंत्री तो माफी मांग लिया। बात है पहले से लातों के ऊपर राजनीति की है, दिखावागर्दी बड़ी है। जब से बीजेपी मैडम आई है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उसने सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा तीसरी चीज क्या दी है? विकास बिल्कुल नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ है, ना विकास होगा। अगर आपको आपने साबुन से हाथ धोए कोरोना नहीं गया, आप बीजेपी से हाथ धो लीजिए कोरोना चला जाएगा। जब चुनाव आता है तो बीजेपी का कोरोना आता है, और चुनाव गया तो कोरोना भी गया। आपके इस क्षेत्र में नहीं, हम अपने क्षेत्र की बात करें, हमारे हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है, ना ही क्षेत्र से हुआ है, ना ही नगर से हुआ है।